दोस्तों यहाँ पे शायद से आपकी ये वाली वीडियो बहुत फेवरेट होने वाली है। दोस्तों आज के इस वाली वीडियो में आपको पता लगने वाला है JBL की तरफ से आने वाला है JBL PRX 725। दोस्तों हमारा 1500 वॉट का एक सिंगल टॉप आता है। दोस्तों ये जो हमारा टॉप है ये हमारा इंडिया में कैसे मिलेगा, इसका क्या प्राइस है, इसकी फुल डिटेल यानी कि दोस्तों इसमें कैसे स्पीकर्स लगे, कैसे मैग्नेट लगे, कैसा इसका एचआर ड्राइवर है, कैसे इसकी बॉडी है, क्या है इसकी पूरी डिटेल, तो ये सब आपको इस वाली वीडियो में मिल जाएगी। और दोस्तों वीडियो मेन मुद्दा ये है कि क्या आपको JBL PRX 725 जो हमारा टॉप है इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसका कैसा साउंड क्वालिटी आता है, या फिर आपको इसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे आपको ये पता लगेगा कि आपको ये लेना है या फिर इसके ही तरह का कोई और टॉप लेना है, तो ये सारी डिटेल आपको इस वाली वीडियो में मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पे हमारा टॉप काफ़ी ज़्यादा महंगा है, काफ़ी कॉस्टली है, तो वीडियो को लास्ट तक के देखते रहेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ये टॉप महंगे होने की वजह से ही आपको पता लगेगा कि ये आपको अपने डीजे के लिए लेना है या फिर नहीं लेना है, और इसकी क्या डिटेल है, मतलब जो भी इसकी स्पेसिफिकेशन है वो सब इस वीडियो में मिल जाएंगी, और प्राइस भी पता लगने वाला है वीडियो के लास्ट में, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम सूर्यांश, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सॉल्यूशन टिप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये रही आपकी मोबाइल कंप्यूटर टीवी जिसमें भी आप देख रहे हो आपकी स्क्रीन पे JBL PRX 725। दोस्तों इस स्पीकर का जिक्र मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बहुत बार किया है, यानी कि JBL के बेस्ट स्पीकर्स में कौन से स्पीकर्स हैं, या फिर JBL के स्पीकर कितने प्राइस में मिलते हैं, या फिर JBL का अगर मैंने डीजे सेटअप बताया है तो उसमें भी मैंने PRX 725 को रखा हुआ है। तो चलिए फिर से एक बार इसकी डिटेल जानते हैं। यहाँ पर डुअल 15 इंच के डीजे स्पीकर्स लगे हुए हैं इसके अंदर। और दोस्तों अगर इसकी वॉटेज की बात करते हैं तो ये सिंगल टॉप आपका 1500 वॉट का टॉप है, यानी कि बहुत ही अच्छा वॉटेज का ये टॉप है आपका। और ये 1500 वॉट का टॉप ऐसे बना है कि यहाँ पे आपको 750 वॉट का एक 15 इंच का स्पीकर लगा हुआ है, जो कि दो लगे हुए हैं, तो दोनों का वॉटेज और एचएफ ड्राइवर का कुछ मिला के आपको 1500 वॉट का ये स्पीकर देखने को मिलता है। दोस्तों इसके अंदर जो हमारे JBL के ओरिजिनल स्पीकर्स लगे हुए हैं वो है हमारे नियोडिमियम मैग्नेट के स्पीकर, यानी कि दोस्तों वेट वाइज ये स्पीकर हल्का होने वाला है, तो आप लोग इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट आराम से कर सकते हो, कहीं भी ले जा सकते हो बहुत ही आराम से। दोस्तों यहाँ पे मैग्नेट आपका फेरेट मैग्नेट नहीं है, नियोडिमियम मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। और दोस्तों अगर आप लोग इसके इनपुट की बात करें या तो यानी मैं इनपुट की बात करूं तो यहां पे आपको XLR कनेक्ट करने का ऑप्शन। दोस्तों चलिए बात करते हैं इसके बैक पैनल की। तो यहां पे आपको JBL PRX 725 के बैक पैनल में कुछ इस तरह आपको देखने को मिलेगा। यहां पे आप वायर और स्पीक ऑन इनपुट्स दे सकते हो। दोस्तों यहां पे अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो यहां पे हमारी काफी तरह की क्लास की एम्पलीफायर आती है, यानी कि डी की आती है, एच की आती है। तो दोस्तों ये जो हमारी डी एच क्लास की जो हमारी एम्पलीफायर्स आती हैं, इसमें से आपको जो ये अगर आप स्पीकर ले रहे हो या फिर ये वाला स्पीकर लेने वाले हो तो आपके पास जो एम्पलीफायर होना चाहिए वो क्लास डी का होना चाहिए। दोस्तों ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपका क्लास डी का ही हो, क्लास एच का भी चल जाएगा, लेकिन अगर आपका क्लास डी का होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तभी मैंने दोस्तों यहाँ पे लिखा पावर्ड हाईली एफिशिएंट। यहाँ पे अगर आप क्लास डी का एम्पलीफायर से इसको प्ले करते हो तो बहुत ही अच्छा साउंड क्वालिटी आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो हमारे स्पीकर की बॉडी है वो है ट्रेपेज़ॉइडल प्लाईवुड में। दोस्तों ये जो हमारी ये त्रिकोण बॉडी जो हमारी आती है, ये स्पीकर्स की आजकल बहुत ही पॉपुलर बॉडी हो चुकी है। लोग कंबल स्पीकर से डायरेक्ट इस पे आ चुके हैं, तो भाई बहुत ही अच्छी बात है कि आपको न्यू बॉडी देखने को मिलती है। वैसे भी दोस्तों ये कोई न्यू स्पीकर नहीं, काफ़ी ओल्ड मॉडल है, बट इसमें भी आपको देखने को मिल जाता है। इतना पैसा लगा रहे तो भाई आपको मिलना तो ज़रूरी है। तो चलिए इसको थोड़ी और डिटेल के बारे में बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने स्पीकर की जाली हटा दी है, यानी कि इमेज में आप देख सकते हैं स्पीकर बिना जाली का कैसा लगता है। दोस्तों ये है हमारे नियोडिमियम के ओरिजिनल JBL के स्पीकर 750 वॉट के दो, और यहाँ पे हमारा एक HF ड्राइवर, हाई फ्रीक्वेंसी ड्राइवर जो आप कहना चाहो वो लगा हुआ है यहाँ पर। और इसका जो जाली हटा के जो व्यू लगता है भाई, वो काफ़ी सही लगता है, कुछ सही बनाया गया है। जहाँ तक आप देख सकते हैं एयर पास के लिए 4 होल्स दिए हुए हैं। यहाँ पे जो हमारा LF स्पीकर लगा हुआ है वहाँ पर भी आपको होल्स देखने को मिलते हैं, मिड पे भी देखने को मिलते हैं, तो भाई काफ़ी अच्छी बात है कि कुछ इस तरीके का आपको लुक देखने को मिल जाता है। डुअल 15 इंच के नियोडिमियम के स्पीकर लगे, मैं आपको बता चुका हूँ, और वॉटेज मैंने फिर से मेंशन किया, चाहो तो आप नोट कर लो वरना याद कर सकते हो, भाई तक कोई कठिन नहीं है। दोस्तों चलिए बात करते हैं थोड़ी और डिटेल की, यानी कि इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों चलिए जानते हैं क्या है इसको, मेरा ओपिनियन आपको बताता हूँ, चलिए बताओ। तो आप लोगों ने यहाँ पे इस स्पीकर की पूरी डिटेल, स्पेसिफिकेशन सब कुछ देख लिया होगा। तो दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दोस्तों ये स्पीकर आपको लेना चाहिए, बहुत जल्द ही लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि दोस्तों ये जो हमारा स्पीकर है
ये सुनने में आया है कि ये बंद होने वाला है, यानी कि इसकी बिक्री कम हो रही होती जा रही है, तो ये बंद किया जा रहा है। तो दोस्तों उससे पहले आप लोग इसको ले सकते हो, बिल्कुल आराम से लेना चाहिए आपको। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको तभी सजेस्ट करूँगा क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग अभी डीजे का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या फिर आपकी डीजे में बिगिनिंग है, या फिर दोस्तों आप लोग यहाँ पे किसी कि मंदिर में डीजे लगाते हो, या फिर आप कोई भजन कीर्तन जागरण इन सब जगह पे अगर डीजे सेटअप लगाते हो, यानी कि लाइव प्रोग्राम ज़्यादा करते हो, तो आपको भाई इसको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, वहाँ के लिए ये बिल्कुल ख़राब है। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग डीजे का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तब भी आपको मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा। दोस्तों यहाँ पे दूसरी जगह देखते हुए कि अगर आप लोग शादी में डीजे बजाते हो या फिर आप कहीं भी अपने स्पीकर्स को भेजते हो, यानी कि भेजने का मतलब होता है कहीं क्लब वगैरह में या फिर किसी क्लब या डिस्क वगैरह में आप लोग डीजे का इस्तेमाल करते हो, तो वहां के लिए ये परफेक्ट JBL का स्पीकर है। और दोस्तों ये मैं आपको तभी रिकमेंड करूंगा जब आपके ये बजट में हो। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा कि ये स्पीकर को लेने के चक्कर में आप लोग खराब एम्पलीफायर ले लो, खराब सबवूफर ले लो, या फिर खराब क्रॉसओवर, कुछ भी अपना बेकार चीज ले लो, ये सिर्फ टॉप पे पैसा लगा के, तो भाई ये बिल्कुल खराब होगा। दोस्तों अगर यहां पे आप JBL PRX हमारा स्पीकर ले रहे हो तो यहाँ पे दूसरी जगह आपको मैं कोई कंपनी का नाम नहीं लूंगा, कोई फालतू की बेकार से एम्पलीफायर बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे दोस्तों अगर आपके पास बहुत ही अच्छा बजट है, एम्पलीफायर भी बेस्ट क्वालिटी है, मिक्सर भी चलिए आपका अच्छी क्वालिटी का आ जाता है, क्रॉसओवर भी बढ़िया मिल जाता है, और स्पीकर यानी कि आपके टॉप और सब वूफर को देखा जाए तो ये भी दोनों JBL या फिर RCF के हैं, तो ज़रूर से आपको ये PRX लेना चाहिए 725। और यहाँ पे दोस्तों अगर आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैनेज करके, यानी कि आप सारा पैसा सिर्फ टॉप पे डाल दोगे, बाकी सारे इक्विपमेंट्स आप खराब ले लोगे, भाई ऐसा बिल्कुल मत करिए। अभी ये वाला स्पीकर मत लीजिए, बंद हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप लोग ले सकते हो तो जरूर से लेना चाहिए। तो दोस्तों जरूर से बताएगा, मैंने जो आपको बताया है इस वीडियो में, जो भी मैंने अपने ओपिनियन आपके पास रखे हैं, ये आपको सही लगे कि नहीं लगे, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को सही लगे होंगे। तो अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएगा कि मैंने आपको कैसा एक्सप्लेन किया यहां पे। तो बस दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं, तो बस दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय एंड टाटा।